नवजोत सिंह सिद्धू ने साधा अपनी ही पार्टी पर निशाना, कहा राज्य में कांग्रेस की बजाय बादल परिवार का शासन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू कुछ दिनों से मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को लगातार निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन अब सिद्धू ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्धू ने रविवार को पंजाब में अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ हमला तेज करते हुए आरोप लगाया कि विधायकों के बीच एक आम सहमति है कि राज्य को उनकी पार्टी के बजाय बादल द्वारा चलाया जा रहा है। सिद्धू द्वारा अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ ये नया निशाना ऐसे समय साधा गया है जब एक दिन पहले ही उन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अक्षमता के कारण सरकार को 2015 कोटकपुरा पुलिस गोलीबारी मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमृतसर से विधायक सिद्धू ने तब अपनी ही सरकार की आलोचना की थी जब उच्च न्यायालय ने इस घटना की SIT जांच रिपोर्ट को खारिज कर दी थी, जो कि पंजाब के फरीदकोट में एक धार्मिक ग्रंथ के अनादर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी।